इसराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है, जिसके चलते वहां रहने वाले भारतीयों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। हमास की तरफ से दागे जा रहे अंधाधुंध रॉकेट की वजह से इन सबकी जान जोखिम में है। पता नहीं कब कहां से कोई रॉकेट आ गिरे और सब कुछ तबाह हो जाए। मालूम हो कि भारत इसराइल के बीच फ्लाइट्स भी बंद हो गई हैं, जिसके चलते वहां रहने वाले भारतीय चाह कर भी निकल नहीं सकते। इसी बीच भारत के लिए एक और राहत भरी खबर है। मुंबई में इसराइल के महावाणिज्य दूत कोबी शोचानी ने कहा है कि इजरायली सेना और हमास के बीच चल रहे युद्ध में किसी भारतीय के हताहत होने की जानकारी नहीं है। अगर हमें इस बारे में कोई जानकारी मिलेगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखूंगा। मालूम हो कि इसराइल में 20,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इसराइल में रहने वाले ज्यादातर भारतीय तेल अवीव में रहते हैं। इसके अलावा यहाँ से हर साल हजारों लोग तीर्थ यात्रा के लिए यरूशलेम भी जाते हैं। इसराइल में रहने वाले ज्यादातर भारतीयों में स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन हैं। इन सबकी वतन वापसी को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी मंत्री लगातार इसराइली विदेश मंत्रालय और उनके पड़ोसी देशों यूएई और सऊदी के संपर्क में हैं। आपको मालूम हो कि इसराइल और भारत के बीच फ्लाइट्स बंद होने की वजह से वहां फंसे भारतीय चाह कर भी नहीं लौट सकते। इनकी वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। इसके तहत पहली फ्लाइट 13 दिसंबर की सुबह पहुंचेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि इसराइल से लौटने के इच्छुक भारतीयों के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष चार्टर उड़ानों का प्रबंध और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हम विदेश में मौजूद अपने नागरिकों के सुरक्षा और कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इजरायली महावाणिज्य दूत कोबी शोशानी ने भी वीडियो संदेश जारी कर भारत के ऑपरेशन अजय की तारीफ की है। उनका कहना है कि जैसे ही ये जंग खत्म होगी, हम भारतीयों की फिर से वापसी का इंतजार करेंगे। I congratulate Prime Minister Narendra Modi ji for launching Operation Ajay to bring Indian citizens back from Israel. There are around 18,000 Indian citizens in Israel, including 1,000 Indian students whom we love very much. The Indian business community that we love and respect so much contribute to our economy in a big way. Indian nurses and caregivers have become part of our families. The Israeli government is doing the utmost to assist the Indian embassy in Tel Aviv in Operation Ajay. We look forward to welcome all of you back in Israel once we win the war against Hamas, ISIS terrorists. मालूम हो कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के कई शहरों पर हमला बोला था। उस दौरान सैकड़ों भारतीय थे जो इसराइल में मौजूद थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा भी उनमें से एक थी। नुसरत एक इवेंट में शामिल होने के लिए इसराइल पहुंची थी। हाल ही में नुसरत भरूचा सुरक्षित वापस लौटी हैं। अब यहां रहने वाले उन तमाम परिवारों को अपनों की वतन वापसी का इंतजार है जो इस जंग के माहौल में इसराइल में फंसे हुए हैं।